नमस्कार मित्रों, मैं हूं एसके अनिल और आज मैं अपने नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर जो कि कस्पल इंटरलिंक से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, इसके एक और फीचर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। सर्वतोभद्र चक्र का जो सॉफ्टवेयर है वो नक्षत्र ज्योतिष सॉफ्टवेयर के अंदर में बहुत ही बारीकी से जो है ना वो डिजाइन किया गया है और इसमें ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो राशि और नक्षत्र और उसके साथ नौमांस के चरण और इसके साथ साथ ट्रांजिट करते हुए किसी भी प्लैनेट के ऊपर यदि आप कर्सर ले जाते हो तो उसकी पूरी डिटेल वहीं पे डिस्प्ले करता है कि वो कौन से साइन, कौन से स्टार, कौन से सब सब पे है, कितनी डिग्री पे है। साथ ही साथ ये आपको अपनी गति के हिसाब से किस तरफ वेध कर रहा है और क्या-क्या वेध कर रहा है इसके बारे में भी आपको जो है वो इंगित करता है और साथ ही साथ इसके अंदर संपूर्ण फलादेश जो है वो सर्वतोभद्र चक्र के दिए हुए हैं, जिसमें लत्ता, वेधन, SMT, उपग्रह, 88 पदा, सेंसिटिव स्टार्स है ना, और पंचशलक के अंदर राशि, नक्षत्र, नाम अक्षर, नाम का स्वर, तिथि और दिवस का वेधन, इसके अच्छे और बुरे फल इसके बारे में दिया हुआ है। आइए सबसे पहले जो है ना वो सर्वतोभद्र चक्र का जो सॉफ्टवेयर है उसको देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो चार्ट है ये खुल गया है। अब यहाँ से व्यू में जाके सर्वतोभद्र चक्र जो है ना वो हम सेलेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा ये साइन है। पूरब की दिशा में टॉरस, जेमिनी, कैंसर, साउथ में लियो, वर्गो, लीब्रा, वेस्ट में स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन और नॉर्थ के अंदर एक्वारियस, पाइसेस एंड एरीज। अब यहाँ पे जो प्लैनेट जो है ना वो ब्लू कलर में दिए गए हैं वो आपके जन्म का है और जो रेड से है वो ट्रांजिट का है। चूंकि ये चार्ट अभी खोला है इसलिए ब्लू और रेड वाले प्लैनेट एक ही जगह पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हो कर्सर अगर मार्स के ऊपर लेके जा रहे हैं तो आप ये दिखा रहा है कि मार्स जो है वो कहाँ पे है प्लेस्ड है ना, और कौन से साइन लॉर्ड है, नक्षत्र कौन सा है, उसका चरण कौन सा है, स्टार लॉर्ड कौन है, सब लॉर्ड कौन है, सब सब लॉर्ड कौन है, ये पूरी डिटेल यहाँ पे दे रहा है। और आप ऐसे भी देख सकते हो कि टॉरस साइन के अंदर नौमांस में जो है मंगल जो है वो यहाँ पे तीन यानी कि मिथुन राशि में है ना, और जो पद है वो तीसरा पद है। तो ये सभी प्लैनेट का ट्रांजिट यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हो। अब इसकी खासियत जो है ना वो मैं बताऊं, आप यहां से डेट चेंज करके अपने इच्छा अनुसार किसी भी समय का ट्रांजिट चेक कर सकते हैं आप। तो आप मान लो आप जा जाओ 1 जनवरी 2020 और यही 13:15 के अंदर यहाँ पे कैलकुलेट करा देते हैं तो उस समय में कौन से ग्रह कहाँ कहाँ पे थे ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखाना शुरू करेगा। और ये आप देख पा रहे हो वेधन जो है ना कि राहु आद्रा में था उस टाइम पे और उसका वेदन तीनों तरफ होता है, राहु, केतु, सूर्य और चंद्रमा एक साथ तीनों तरफ वेद करते हैं। तो ये आपका एरो का निशान दिखा रहा कि हस्त नक्षत्र पे वेद कर रहा है, यहाँ से वाम वेद जो है वो उत्तराभाद्रपद पे और सम्मुख वेद जो है वो पूर्वाषाढ़ पे कर रहा है। हर ग्रह अपने स्थान से वेदन कर रहा है, जैसे यहाँ पे चंद्रमा है तो चंद्रमा वेदन जो है ना वो यहाँ पे पंचशलक जो है वो ध उसका वेद कर रहा है, जो येलो पैचेस में दिए गए हैं ये आपके पंचशलक है यानी आपकी जन्म कुंडली में जब आपका जन्म हुआ है
तो चंद्रमा जिस राशि पे होता है वो पहला पंचसलक है, जिस नक्षत्र पे होगा वो दूसरा पंचसलक है। नक्षत्र के चरण के हिसाब से नाम का अक्षर जो है वो निर्धारित किया गया होता है। तो नाम का अक्षर यहाँ पे जो है वो ध, ये मिलता है आपको। और अक्षरों के समूह का एक स्वर होता है जिसको भवेल बोलते हैं, वो यहाँ पे ओ। और तिथि और दिवस, ये जो पीले पैचेस में आप देख रहे हैं ये पंचसलक जो है ना वो दिए हुए हैं, और इसका वेधन दिखाता है। तो आप देखिए अनुराधा नक्षत्र के ऊपर यहाँ पे जो ट्रांजिट है मार्स का, ये फास्ट गति से ये यहाँ पे तिथि का वेधन कर रहा है और भरणी नक्षत्र तक जा रहा है। आप यहाँ पे सूर्य और केतु को देखिए, ये वेधन जो है ना ये कर रहे हैं यहाँ पे उत्तराभाद्रपद का, ठीक है ना। जुपिटर और मरकरी ये वेधन कर रहे हैं, आप देख सकते हो येलो कलर के अंदर और ग्रीन कलर के अंदर जा रहा है ये ध और रेवती को। तो आपको जरूरत नहीं है कि आप ग्रहों का स्पीड कैलकुलेट करो कि वो किधर देख रहे होंगे, रेट्रो होंगे तो पीछे देखेंगे और कहाँ पे देखेंगे, नॉर्मल स्पीड में होंगे तो सामने देखेंगे और कहाँ देख रहे होंगे, है ना। तो ये आपको ऑटोमेटिकली ये ट्रांजिट में ही आपको दिखाता है, और आप इसका ट्रांजिट भी यहाँ से ले सकते हो 1 सेकंड से लेकर के 10 साल तक का। तो आप यहाँ पे 1 डे का ट्रांजिट सेलेक्ट कर लीजिए, इसको फॉरवर्ड भी चला सकते हैं बैकवर्ड भी चला सकते हैं। फॉरवर्ड चलाएंगे तो आप देखिए चंद्रमा की मूवमेंट आपको दिख जाएगी, अभी पूर्वा भाद्रपद पे है ये, चूंकि एक दिन में एक नक्षत्र बदलता है तो आप देख सकते हो कि चंद्रमा जो है वो यहाँ पे ट्रांजिट कैसे ले रहा है। कर्सर को जैसे ही आप बीच में लाएंगे वैसे ही वेधन दिखाना शुरू करेगा, तो आप इसका बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो है ना वो कर सकते हो। आज का चार्ट देखना हो कि भाई कौन सा प्लेनेट कहाँ है, ये नाव के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो आज की तारीख आ जाएगी, समय आ जाएगा, और कौन सा प्लेनेट कहाँ पे है ये दिख जाएगा आपको। एक और भी चीज आपको मैं बताऊं, यहाँ पे जो दिख रही है आपको ये दशा दिखी जाएगी, इस समय कुंडली जो खुली हुई है उसमें ग्रहों की दशाएं क्या चल रही हैं। ये अगर चक्र प्रिंट करना है तो यहाँ से आप प्रिंट ऑप्शन ले सकते हो। एक मैनुअल सेलेक्शन है, इस पे आप टिक करेंगे तो यहाँ पे एक बार खुल जाएगा, और यहां से आप नक्षत्र वेधन, राशि वेधन, स्वर वेधन, अक्षर वेधन, तिथि वेधन, डे वेधन, नक्षत्र स्वामी, गोचर वेद, नक्षत्र एंड सेंसिटिव पॉइंट्स, 88 पदा जो कि हाईली इनऑस्पिशियस होता है, SMT यानी कि स्पेशल मेलिफिक ट्रांजिट, उपग्रह जो कि सूर्य से चलता है, सूर्य जिस नक्षत्र पे होता है वहां से सर्टेन नक्षत्रों पे 5वें, 8वें, 14वें, 18वें, 21, 22, 23, 24, ये 8 उपनक्षत्र बताए गए। ये कौन सा उपग्रह कहाँ बैठा है ये आपको ऑटोमेटिकली प्रेडिक्ट करके देगा। लगता चार्ट यानी किक मारना, जब कभी भी किसी ग्रह का लगता लगता है आपके बर्थ स्टार पे तो वो पूरा का पूरा ड्यूरेशन बहुत ही परेशानियों में व्यतीत होता है। 2 ग्रह अगर लगता लगाए तो क्या होगा, 3 लगाए तो क्या होगा, इन सब का विवरण यहाँ पे आपको मिलता है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तिथि का वेदन। तिथि का वेदन होने से ये आपको धन मान यश पद और प्रतिष्ठा देता है, पर वेदन करने वाले ग्रह दशा में भी हो और वो आपकी कुंडली में शुभ हो। अशुभ ग्रहों से वेद होएगा तो इन सभी चीजों का ह्रास होगा, ये सारी प्रिडिक्शन आपको मिलती है। ये थर्ड लेवल है, थर्ड लेवल का मतलब महादशा, भुक्ति और अंतरा, और 5th लेवल मतलब सूक्ष्म और प्राणा तक भी, पांचों के पांचों दशाओं तक का मिलेगा। तो आप यहाँ पे इसको ड्यूरेशन ले लीजिए, कितने दिनों का आप निकालना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 मंथ सेलेक्ट कर लिया और कैलकुलेट करा लिया, तो 3 दशाओं में यानी महादशा, भुक्ति, अंतरा का ये कैलकुलेट करके देगा आपको। अब आप यहाँ से प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं जो भी प्रिडिक्शन है, और एक्सपोर्ट टू PDF किसी को भेजना हो, मेल करनी हो वो भी कर सकते हैं। प्रीव्यू कर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि तिथि का वेदन 16 नवंबर से लेकर 24 नवंबर तक हो रहा है, और वो मरकरी के द्वारा हो रहा है। और मरकरी अगर आपकी कुंडली में शुभ ग्रह है, धन धनदायक है, व्यापार में वृद्धि का कारक है, तो 16 तारीख से 24 तारीख तक के बीच में निश्चित रूप से व्यापारिक लाभ और सफलता प्राप्त होगी। इसी प्रकार से वीनस 14 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक,
वो भी तिथि का वेदन कर रहा है। अब यहां देखिए ड्यूरेशन सेम हो गया ना, 16 से 24 नवंबर, 14 से 25 नवंबर, तो ये दोनों कॉमन पीरियड हैं। यहाँ पे दो ग्रहों ने तिथि का वेद किया, दोनों अच्छे प्लैनेट हैं, तो ऐसे में धन मान यश पद प्रतिष्ठा सबकी प्राप्ति होगी। यहाँ पे आप देखिए राहु के द्वारा जो है ना वो वेदन हो रहा है। राहु नैसर्गिक पाप ग्रह है, लेकिन आपकी कुंडली में यदि वो शुभ है तो आप कुंडली से लीजिए। तो ऐसे में 12 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक का जो पीरियड है ये राहु चूंकि तिथि का वेदन कर रहा है, ऐसे में आपके धन मान यश पद प्रतिष्ठा का कारक होगा। और यदि ये मैलिफिक है, अशुभ ग्रह है, इन सभी चीजों का ह्रास हो जाएगा। तो ये प्रिडिक्शन आप यहां से ले सकते हो, आप इंडिविजुअल प्रिडिक्शन भी निकाल सकते हो एक एक का निकालना हो तो। इसके अलावा आप इसको अनटिक कर लो और यहां से आप सीधा 3 मंथ्स प्रिडिक्ट कर लो और यहाँ पे 5 लेवल लगा लो और ये कैलकुलेट करो। तो जो दशा अगले 3 महीने तक चल रही है उसमें जो भी एप्लीकेबल होगा, तिथि वेदन, अक्षर वेदन, स्वर वेदन, उपग्रह, SMT, 88th पदा, ये सब का फलादेश डेट और टाइम के हिसाब से कर देगा। तो आप बड़ी आसानी से जो है ना वो फलादेश कर सकेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से जो है ना वो आपका समय व्यतीत होने वाला है। अब ये कैलकुलेट हो गया, आप प्रीव्यू कर लेते हैं। आप देखें यहाँ पे 23 पेज के अंदर इसने निकाला है। अब ये जो फॉन्ट्स आप देख पा रहे हो काफी बड़े बड़े हैं, कई लोगों को देखने में दिक्कत होती है, तो इस फॉन्ट को आप बड़ा और छोटा कर सकते हो, ये सुविधा इसके अंदर दी हुई है। तो आप देखिए यहाँ पे राशि वेदन दिखाई दे रहा है, और नीचे आइए स्वर वेदन दिखाई दे रहा है, और नीचे आइए डे वेदन दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से सेंसिटिव पॉइंट्स जो हैं, 16वां नक्षत्र, 27वां नक्षत्र, 25वां नक्षत्र, इन सब के वेदन का फल और ड्यूरेशन एक साथ दिए हुए हैं, है ना। और सबसे अंत में आप देखेंगे यहाँ पे तो लत्ता वेदन भी दिखाई दे रहा है, यानी 15 से 20 तारीख के बीच में सूर्य का लत्ता लगेगा। तो सूर्य क्या है आपकी कुंडली में जिस भी प्रकार से कारक होगा उन्हीं चीजों का नुकसान करेगा, और ये राजकीय प्लैनेट है तो ये राज्य से आपको नुकसान देगा, है ना। यहाँ पे दूसरा है मून, तो मन का कारक है, तो मन व्यतीत होगा यहाँ पे। तो इस प्रकार से जो है ना वो आप डेट वाइज आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिकली जो है ना ये आपको प्रेडिक्शन भी करके दिखाएगा इसके अंदर में। और ये प्रेडिक्शन आप प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने कुंडली में सेव कर सकते हो। ट्रांजिट के अंदर यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं जो है ना वो दी हुई हैं। ये जो हमारा सर्वोत्तभद्र चक्र का जो फीचर है ये बहुत अच्छा फीचर है, और अभी तक शायद इस प्रकार से जो है ना वो आपको प्रेडिक्शन और इसका जो फीचर है वो आपने शायद ही कहीं देखा होगा। अगर आपको ये सॉफ्टवेयर चाहिए तो आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर आपको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा और आप साइट पे भी मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लें। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, शुक्रिया, धन्यवाद।